तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं सुबह मॉर्निंग में उठ के तैयार हो चुका हूँ मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए, और माँ से थोड़ी बातचीत, प्यार भरी बातचीत करने के बाद मैं जाऊँगा ब्लॉग शूट करने के लिए। तो माँ से बात करने के बाद देख रहे हैं आप, मेरी माँ काफ़ी खुश हैं आज। तो मैं निकल चुका हूँ, देखिए कि मैं अपने गाँव की गलियों से होकर जा रहा हूँ खेतों की ओर मॉर्निंग वॉक के लिए। यहाँ पर मैं ब्लॉग शूट करने का आज मेरा मन था, तो भैया जी भी मेरे साथी हैं, देख रहे हैं आप। यहाँ से निकलने के बाद अभी हम निकलेंगे खेतों की ओर, ये हमारे गांव का रास्ता है खेतों की ओर जाने के लिए। और देख रखे हैं आप, खेतों की ओर पहुँच चुका हूँ मैं, और यहाँ पे काफ़ी ठंडा मौसम भी लग रहा है, ठंड ज़्यादा लग रही है हमें। और भैया जी देखिए आगे आगे जा रहे हैं, भैया जी निकल चुके हैं खेतों की ओर के लिए और मैं उनके पीछे पीछे हूँ। और अभी हमने पोखर की यानी ये तालाब है उसकी रास्ता पार करके हम खेतों की ओर निकल गए हैं। देखिए खेतों में हम, और मुझे भी काफ़ी ठंड लग रही थी इसीलिए मैंने दूसरा नया वाला जैकेट पहन रखा है। और देख रहे हैं आप, गेहूं की फसल है यहाँ पे, किसानों ने तार भी लगा दिए हैं, गाय वाय आ जाती हैं इसलिए। और ठंड मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही थी आज। भैया जी को आज बहुत जल्दी है, वो आगे आगे चल रहे हैं मेरे। वीडियो बनाने हैं, मेरे हाथ भी कांप रहे थे क्योंकि बहुत ठंडा मौसम है हमारे यहाँ का। और आपके यहाँ का मौसम कैसा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारे यहाँ पे गेहूं की फसल देख रहे हैं आप, काफ़ी ठंडा मौसम है हमारे यहाँ का, और गेहूं की फसल भी काफ़ी अच्छी है इस साल। देखिए मेरे पीछे ये गेहूं की फसल है, काफ़ी ठीक है। भैया जी देखो वो जा रहे हैं स्टैंड लेकर। अभी हम चल ही रहे हैं, देखिए पीछे हमारे एक ताऊ जी हैं, वो अपने खेतों के पास खड़े हुए हैं और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। बहुत ठंड लग रही है आज मुझे, और दिनों के मुकाबले आज बहुत ज़्यादा ठंड है। पीछे का विजिट देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरा। और मेरे ऐसे ही ब्लॉग वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे कि आप मेरी आने वाली वीडियो और शॉर्ट वीडियो को ज़रूर देख सकें। और अभी मैं पहुंचने वाला हूं यहां पे, हमारे गांव का एक खेल का मैदान है, यहां पर छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। और काफ़ी दूर जाना पड़ता है हमें मॉर्निंग वॉक के लिए। और भैया जी देखिए वो जा रहे हैं, अभी हम खेतों से ही निकल नहीं पाए हैं। इस साल का फसलें हमें ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। और देखिए मैं फाइनली ग्राउंड में पहुंच चुका हूं, और ये पीछे जो बना है वो हमारे गांव का पंचायत भवन है, जो भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और पंचायत घर से निकलने के बाद हम निकल चुके हैं रोड की ओर, जहां पर हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। और आज मैं काफ़ी जल्दी सुबह सोकर उठा था जिससे कि मैं ब्लॉग बना सकूं। और पीछे देख रहे हैं आप, आलू की फसल है, काफ़ी अच्छा लग रहा है पीछे। और ये खेल का मैदान है, यहाँ पर बच्चे भी खेलने आते हैं दिन में। और अभी हम रोड पर पहुंचने वाले हैं, पीछे देखिए आलू, और ये कि यहाँ पे पुराना कुआं भी है, देखिए वो पीछे जो है भी वो पुराना कुआं है, बहुत पुराना है। और मेरी एंट्री हो चुकी है रोड पर, जैसा कि आप देख रहे हैं। रोड पर एंट्री होने के बाद मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आलू की फसल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, गेहूँ की फसल भी होती है, लेकिन आलू हमारे यहाँ इस साल बहुत ज़्यादा है।
और ठंडा मौसम भी काफ़ी है इस साल। और ये देखिए मेरे बड़े भाई भी हैं मेरे साथ, देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं स्टैंड पकड़ के खड़े हैं, देखिए पूरी तैयारी में बोले जा रही है डायलॉग के साथ में। और अब तो इन्हें भी काफ़ी अच्छा लगने लगा है। दोस्तों मेरे ब्लॉग वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो को मिलती रहे। केवल अब तुम लोगों को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। तो देख रहे हैं भैया काफ़ी काफ़ी उत्तेजित हो गए हैं यूट्यूब के लिए भैया, देख रहे हैं आप। और अभी हम शूट पे आए हुए हैं सुबह, और मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है हमारी। देखिए दोस्तों हम दोनों निकल चुके हैं शूट के लिए, और भैया जी मेरे साथ ही हैं, मेरे आगे चल रहे हैं ये। और ये मैंने कल ये मैंने स्टैंड मंगाया था भैया, जो कि मैंने फ़्लिपकार्ट से ख़रीदा था और काफ़ी सस्ता पड़ा, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा पसंद आया ये। हमारे गाँव में देखिए आलू की फसल काफ़ी अच्छी है इस साल, और अच्छा लग रहा है, काफ़ी हरियाली काफ़ी है हमारे गांव में। और मुझे तो वाकई में ये स्टैंड सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमें वीडियोस बनाने में प्रॉब्लम होती थी दोस्तों। और मैं ये सोच रहा था कि आगे चल के और भी बढ़िया स्टैंड ले लेंगे। और हम इस योगी सरकार पर फोकस करना चाह रहे हैं, और देख सकते हैं आप काफ़ी ठंडा मौसम है अभी तो, गोश्त काफ़ी पड़ रही है। सुबह के टाइम में ऐसा 4 या 5 के समथिंग ज़्यादा गोश्त थी, अब है कम है। इतनी मोटी जैकेट पहनने के बावजूद भी ठंड लग रही है मुझे। और भैया जी देखिए चल रहे हैं, भैया जी चल रहे नहीं हैं, भैया जी टहल रहे हैं, टहल। अच्छा टहल रहे हैं। क्या करें, शरीर डाउन हो रहा है, इसके लिए थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाता है हमारा, और हाथों में फुर्ती, शरीर में तंदुरुस्ती, सब तरीका से हम फिट रहते हैं। दोस्तों ये देखिए हमारे गांव में ये एक रोड है, उसके पास में ये सारे जामुन के पेड़ हैं। और देखिए हम लोग यहाँ पे एवरीडे घूमने आते हैं, ये भी वीडियो बनाते थे, तो हमने सोचा कि आज ब्लॉग बना दूं मैं। और भैया जी मेरे साथ ही हैं, और आज तो भैया जी पूरी फुल तैयारी में आए हुए हैं आज तो शूट के लिए। और ये देखिए हमारे एरिए में सबसे ज़्यादा आलू की फसल होती है भाइयों, आपके एरिए में किसकी फसल ज़्यादा होती है कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आप कितने लोगों ने मेरा ब्लॉग वीडियो देखा। और जो भी मुझसे नए लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, और मेरी वीडियोज़ को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। मुझे देखिए जामुन का पेड़ होता है, इसके काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। ये भैया थोड़ा व्यायाम कर रहे हैं, देखिए। तो भैया आप व्यायाम किस लिए करते हैं? मैं करता हूँ केवल इस पेट के लिए, मैं अच्छा। रहता हूँ थोड़ा दिक्कत में रहता हूँ पेट से, क्योंकि अच्छा। मेरे बैठते हुए गैस भी बनती है, और थोड़ा मैं नेचुरल कमजोरी महसूस करता हूँ बहुत ज़्यादा। तो व्यायाम करने से आपको अच्छा फील होता है? व्यायाम करने से मुझे बहुत फायदे हैं, मेरा शरीर एकदम फिट रहता है। ये देख रहे हो मेरा चेहरा क्या है कि वो थोड़ा बैठ गया है, इसलिए बैठ रहा है कि मैं मेरा काम बैठने का है। बैठते बैठते पेट में जैसी दिक्कतें आती हैं, जैसे पाचक तंत्र से कोई दिक्कत, जैसे कि गैस बनती है, पाचक तंत्र सही नहीं रहता है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि शूट के लिए देर हो रही है, तो हम निकल रहे हैं लोकेशन के लिए, वहाँ पे आज हम शॉर्ट वीडियो शूट करेंगे, और तभी दिखाएंगे आपको, आपका मनोरंजन होगा। कैसी बनेगी हमारी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। और देखिए भैया ये क्या कर रहे हैं, आहा काफ़ी अच्छा विज़िट है भाई यहाँ का। मुझे यहाँ पे काफ़ी, मैं एवरीडे यहाँ पे घूमने आता हूँ, मेरा रोज़ का काम है यहाँ पे घूमने का आने का भाई। और हम वीडियो भी बना ले जाते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, मैं लोकेशन पे पहुँच चुका हूँ, और ये जो आपको दिख रही है ये पुराने जो हमारे एक ज़मींदार थे, उन्होंने यहाँ पे एक वाटिका बनवा रखी है यहाँ पे,
घूमने आ सकते हैं, टहलने आ सकते हैं और योगा वोगा भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं अंदर एंट्री ले रहा हूँ और ये देखिए काफ़ी सुंदर वाटिका है ये। देखिए ये यहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर है और ये देखिए सूट के लिए भैया जी यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये शॉट बनाने के लिए, और स्टैंड भी खड़ा कर दिया है यहाँ पे। और देख सकते हैं ये मंदिर भी काफ़ी अच्छा है और अशोक के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे पीछे, और ये अनार का पौधा लगा हुआ है और इस पर देखिए ये अनार भी हैं, इस पर देख रहे होंगे आप अनार भी हैं ये। और यहाँ पे और एक पौधा लगा हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ये भी पौधा काफ़ी छोटा है लेकिन अभी लगाया हुआ है। ये शनिदेव का पेड़ है, ये शनिदेव का पेड़ बोलते हैं वो है ये। और देखिए काफ़ी बहुत सारे अशोक के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे, सभी प्रकार के पौधे हैं इस वाटिका में। और ये देखिए ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे अच्छा लग रहा है काफ़ी हमें भी। और यहीं पे हम ब्लॉग शूट करने के लिए आते हैं और शॉट भी शूट करते हैं यहीं पे। और देखिए भैया भी यहाँ पे शूट की तैयारी में लगे हुए हैं और स्टैंड यहाँ पे हमने खड़ा कर दिया है देखिए, और भैया भी पूरे रोल में नज़र आ रहे हैं देखिए। देखो अब ये शूट के लिए तैयार हो चुके हैं और अब हम वीडियो शूट करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ब्लॉग वीडियो देखने के लिए मेरे से जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले ब्लॉग वीडियो या शॉर्ट वीडियो आपको मिलते रहें। तो इसी के साथ ही मेरा ब्लॉग यहीं पर समाप्त होने जा रहा है, धन्यवाद।